हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए दही आलू बनाते हैं, तब तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए लाल वाला आलू हम बॉईल कर लिए हैं, अब इसको हम छील लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं बॉईल करना है, वैसे तो ये टाइट ही रहता है। तो देखिए इसको छील लिए हैं, अब इसको छोटा है तो दो टुकड़ा करें या चार टुकड़ा, अपनी मनपसंद के आकार का कर सकते हैं। तो देखिए आलू भी कट गया है। आप चाहे तो इसको फ्राई करें, चाहे तो ऐसे ही डाल सकते हैं। तो हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही डालेंगे सब्जी में। और इधर हम प्याज तीन चार काट लिए हैं और लहसुन आधा चम्मच काट के रख लिए हैं। कढ़ाई गैस पर रख दिए हैं, तेल डाल दिए, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें जीरा डाल देंगे आधा चम्मच। तो देखिए जीरा चटकने लगा है, अब इसमें लहसुन डाल दे रहे हैं। इसके बाद प्याज डाल दिए, अब थोड़ी सी हींग डाल देंगे एक चौथाई चम्मच। प्याज भी ब्राउन हो गया है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। एक चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ी सी हल्दी है एक चौथाई चम्मच, और काली मिर्च है, थोड़ा सा गरम मसाला है, नमक स्वाद अनुसार। देखिए हरी मिर्च डालना था प्याज में, हम भूल गए तो हम उसको बाद में डाल दिए हैं। ये घर की जमाई हुई दही है। तो देखिए मसाला भुन गया है, अब इसमें हम एक कटोरी दही रखे हैं उसको फेंट लिए हैं, इसमें डाल देंगे। अब इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे, इसके बाद ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। इसको उबाल आने तक भूनना है, नहीं तो दही फट जाएगी। तो देखिए उबाल आ गया है, इसमें पानी भी डाल दिए हैं एक गिलास। आप अपने हिसाब से ग्रेवी अधिक कम कर सकते हैं। अब इसमें हम जो आलू बॉयल करके रखे हैं काट के उसको डाल देंगे। तो देखिए आलू को डाल दिए हैं, ग्रेवी पक गई है, आलू थोड़ी देर डाल के भी पकाएंगे। ताकि आलू के अंदर भी ग्रेवी चला जाए। तो देखिए इसमें कसूरी मेथी डालना है थोड़ा सा, ये घर का बना हुआ है। तो ये पक गया है, अब इसको हम ढक के रख दे रहे हैं। तो चलिए इसको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। अभी गर्म है तो थोड़ा ग्रेवी पतला है, अभी थोड़ी देर रखने के बाद जम जाएगा। तो देखिए निकाल लिए इसको एक प्लेट में, रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, जैसे मर्जी वैसे खाइए। ये हमारा खाने के लिए तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं अभी गर्म है तो थोड़ा पतला है। तो मेरी बेटी बोली चावल के साथ खाएंगे, तो देखिए चावल के साथ बनाया है। चावल बनते बनते तक ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो आप ग्रेवी का भी टेक्सचर देख सकते हैं। तो देखिए कितना गाढ़ा दिख रहा है। तो इसी तरह आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।